बेंगलुरु के हेमचंदा स्वामी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और आरसीबी का मैच खेला जाना है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रोहित शर्मा किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। दोस्तों मुंबई इंडियंस की पूरी प्लेइंग 11 आपको बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि ये मुकाबला कितने बजे शुरू होगा। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर ले। और आप भी चाहते हैं कि आईपीएल 2023 में आपकी फेवरेट टीम शानदार परफॉर्मेंस करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस के कप्तान है रोहित शर्मा। दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से पहले ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन, जो कि मुंबई इंडियंस के साथ साथ आईपीएल 2023 की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ियों में से एक है। तो वही नंबर 3 पर इस साल कैमरॉन ग्रीन खेलने वाले है। ये काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाज है और साथ ही साथ ऑलराउंडर्स की भूमिका भी निभाएंगे और मुंबई इंडियंस को अकेले दम पर जिता सकते हैं। तो वही 4 नंबर पर T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव खेलने वाले हैं, ये भी काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। तो वहीं पर नंबर 5 पर तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। तो वही 6 नंबर पर फिनिशर की भूमिका निभाने वाले टीम डेविड खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि लंबे लंबे छक्के लगाने में माहिर है। जिसके बाद नंबर 7 पर ऑलराउंडर ऋतिक चौकिन खेलते हुए नजर आएंगे। वही अगले प्लेयर मनदीप सिंह है, जो की ऑलराउंडर्स के साथ साथ अच्छी खासी गेंदबाजी भी करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगले प्लेयर जोफ्रा आर्चर होने वाले है, जो की मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज है। तो साथ ही जसन बेहरन रोप भी खेलने वाले, ये भी काफी फास्ट गेंदबाज के साथ साथ स्विंग गेंदबाज है। साथ ही अरशद खान और अर्जुन तेंदुलकर में से कोई एक प्लेयर मुंबई इंडियंस में डेब्यू करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, अरशद खान और अर्जुन तेंदुलकर में से किसे मौका मिलना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप सभी को क्या लगता है, ये मुकाबला मुंबई इंडियंस जीत पाएगी या नहीं, अपनी महत्वपूर्ण राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।